सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीजेट्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर तीन, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों नंबर चार, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों नंबर पाँच, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों नंबर छह, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो ये जरूर गिरेगा, तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों नंबर सात, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। दोस्तों नंबर आठ, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार ये गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों नंबर नौ,
अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंके, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वो खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन ये अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं है तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, और खास कर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि सुहाग की ये निशानी होती है। और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर के आएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है, और इसे अगर कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है, और ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।